हेलो दोस्तों, NCERT RIA एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जानकारियों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम तीन ग्रुप्स में होगा। ग्रुप ए में होगा BSc BEd, BA BEd और MSc BEd। ग्रुप बी में होगा BEd और ग्रुप सी में MEd। जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा ग्रुप ए लेवल का होगा वो होगा 12th लेवल तक का। ग्रुप बी में होगा ग्रेजुएशन लेवल और ग्रुप सी में होगा ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का। तीनों ही ग्रुपों में तीन पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर के। पार्ट वन में होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पार्ट टू होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, पार्ट थ्री होगा रीजनिंग एबिलिटी। एंट्रेंस में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इन 2 आवर्स 120 मिनट्स में, जिसमें से 80 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग एबिलिटी। मार्किंग स्कीम रहेगी, राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -0.5 मार्क्स। जो सिलेबस है सिलेबस में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश के अंदर आएगा, कंप्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक, फाइंडिंग आउट एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस, फाइंडिंग आउट equivalent meaning of the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentence. Teaching aptitude में होगा attitude towards education, children and teaching profession etc. जो भी है मैं इस text को description box में paste कर रहा हूँ। Reasoning ability में होगा वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जंबलिंग एक्सेट्रा। कोई और सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।